हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। गोली मारी गई है। कपड़ों के हिसाब से ये लग्जरी कार का ड्राइवर लग रहा है। दो कार, एक सही सलामत और दूसरी कार का भयानक एक्सीडेंट। कार की तो हालत खराब है। लेकिन सर, इस गाड़ी का ड्राइवर भी तो घायल हुआ होगा, वो कहाँ चला गया? वो अपने साथी के साथ भाग गया। यानी यहाँ और लोग भी थे? आशय, इधर आ, देखो। ये टूटी हुई चूड़ी, कम से कम यहाँ पे कोई औरत तो थी। सर, सर कंट्रोल रूम से पता चला है कि ये महंगी वाली गाड़ी मशहूर बिजनेसमैन हर्षवर्धन जी की है और ये लड़ने वाली गाड़ी पिछले हफ्ते पाली नाके से चोरी हो गई थी। ये हर्षवर्धन जी की गाड़ी में कौन कौन सफर कर रहा था पता चला? सर, उनकी पत्नी शांति जी और ड्राइवर शंभू था। सर, ये होगा ड्राइवर शंभू और कुछ चूड़ियां, ये शायद शांति जी की होंगी। सर, इस गाड़ी का तो बहुत भयंकर एक्सीडेंट हुआ है, इसका ड्राइवर चलने की हालत में तो होगा नहीं। या तो उसकी मौत हो चुकी होगी या तो उसे किसी ने हॉस्पिटल पहुंचा दिया होगा। ड्राइवर जिंदा है और कहीं बैठ के समोसे खा रहा है। समोसे खा रहा होगा, कुछ समझा नहीं सर। ये खून नहीं है, टोमेटो सॉस है। मतलब सर, ये एक्सीडेंट नहीं, एक्सीडेंट का नाटक था ये। बिल्कुल नाटक, नकली एक्सीडेंट। ड्राइवर की मौत होना और शांति जी का गायब होना, कुल मिला के ये किडनैपिंग का केस लग रहा है। क्या हुआ, गाड़ी क्यों रोकी? मैडम, वो देखिए सामने, हमें इसकी मदद करनी होगी। ये तो जिंदा है। शंभू, जल्दी से गाड़ी से मोबाइल ले आओ, इन्हें हॉस्पिटल पहुंचाना जरूरी है। मदद के लिए शुक्रिया। ये क्या, तुम ठीक हो? जी। तो ये सब नाटक? शंभू, शंभू! ए, कौन है तुम? क्या चीज? सर, कुछ पता चला मेरी वाइफ का? फिलहाल तो अभी कुछ पता नहीं चला है। आपने उनका फोन नहीं ट्राई किया? फोन तो मैं कब से ट्राई कर रहा हूँ लेकिन फोन लग ही नहीं रहा। पता नहीं वो कहाँ होगी। और अरे, ये तो शंभू है। ये तो मर गया लगता है। ये क्या हो गया, किसने मार दिया इसको? ये तो शांति को लेकर अनाथ आश्रम गया था और शांति उसके साथ ये मर गया। मतलब, ओह गॉड। भैया, शांत हो जाइए, भाभी को कुछ नहीं होगा, धीरज रखिए, सब ठीक हो जाएगा। भैया, आप ये
मेरी बहन है, हमारे बहनोई के डेथ के बाद ये साथी रहती है हमारे। ऐसे देखिए हर्षवर्धन जी, हमेशा के की शांति जी को किडनैप कर लिया गया है। विनित, हर्षवर्धन के घर के जितने नंबर्स हैं वो सारे तुम इस फोन पर डाइवर्ट किए हैं ना? जी सर, ये किडनैपर अब चाहे किसी भी नंबर पर फोन करे लेकिन घंटी यहाँ इस टेबल पर बजेगी। वेरी गुड। हर्षवर्धन, मैंने जो कहा याद है ना, जैसे किडनैपर का फोन आएगा उसके साथ देर तक बात करते रहना, क्योंकि जितनी भी देर तक तुम बात करते रहोगे उसके साथ, हमें आसानी होगी उसका फोन ट्रेस करने में और उसे लोकेट करने में। भैया, आप सच क्यों नहीं बता देते? समझने की कोशिश कीजिए, भाभी किडनैप नहीं हुई है। मुझे तो लगता है कि वो खुद ही घर छोड़ के भाग गई है। महिमा, तुम प्लीज चुप रहो। एक मिनट, क्या कहा आपने? इनकी बीवी शांति अपने आप घर छोड़कर चली गई, ये सच है? आप इसकी बातों पे ध्यान मत दीजिए, ये तो बस ऐसे ही बोल रही है। हर्षवर्धन जी, आपकी बहन है, ऐसे ही कैसे बोलेगी? कुछ तो है, आप बताइए क्या बात है, बताइए। सर, दरअसल बात यह है कि भाभी और भैया की काफी लड़ाइयाँ होती थी। अच्छा, इसलिए मुझे लगता है कि भाभी खुद ही घर छोड़ के चली गई है। सर, पति पत्नी के बीच अक्सर झगड़ा होता रहता है, ये हमारे आपस की बात है। और नहीं, ये आपस की बात नहीं है हर्षवर्धन। तुम्हारे ड्राइवर का खून हुआ है और तुम्हारी पत्नी भी गायब है, तो बताओ क्या बात है, सही सही बताओ। सर, वो शांति मुझसे नाराज रहती थी क्योंकि उसको लगता था कि मैं अपने बिजनेस को ज्यादा टाइम देता हूँ और उसे कम टाइम देता, बस इसी बात पर थोड़ी बहुत नाराजगी हो जाती थी। अच्छा, नाराज थी इसी बात को लेकर और इसीलिए वो घर छोड़कर चली गई है? आज पहली बार सीआईडी घर पे आई है, आखिर माजरा क्या है? बड़े लोगों की बड़ी बातें हैं यार, क्या होगा साहब ने कुछ लौटा? हर्षवर्धन, जैसा मैंने कहा वैसे ही। हेलो, हर्षवर्धन जी बोल रहे हैं। आप कौन? अब नाम में क्या रखा है, फिलहाल तो मुझे शांति जी का रखवाला ही बुला लीजिए। देखो, ये कोई मजाक नहीं है, मुझे बताओ मेरी पत्नी कहाँ है और कैसी है, वरना मैं। गुस्सा करने से ब्लड प्रेशर बढ़ता है, दिल का दौरा पड़ सकता है, गुस्सा सेहत के लिए अच्छा नहीं, खासकर आपकी पत्नी की सेहत के लिए। खैर, काम की बात करें क्योंकि हम तीनों के पास वक्त बहुत कम है। तीन कौन? आप, मैं और सीआईडी के एसीपी प्रद्युमन। उम्मीद करता हूं कि एसीपी सर इस वक्त हमारी बातें सुन रहे होंगे। नमस्ते सर। वैसे हर्ष जी, मुफ्त में एक मशवरा दूं, आपकी जगह अगर मैं होता तो सीआईडी को अपने घर में घुसने ही नहीं देता। देखो, मुझसे गलती हो गई, जो तुम कहोगे वही करूंगा। बताओ क्या चाहिए तुम्हें? इसे कहते हैं होशियार बिजनेसमैन, सीधे मुद्दे की बात। मुझे सिर्फ 5 करोड़ रुपए चाहिए। 5 करोड़? जानता हूँ रकम बड़ी है, इसलिए एक साथ नहीं दे पाओगे। भाई आजकल तो ईएमआई का जमाना चल रहा है, तुम भी 5 किश्तों में मुझे 5 करोड़ चुका देना। 1-1 करोड़ की 5 किश्त, कैसा लगा ऑफर? नहीं, मैं आपको 5 करोड़ एक साथ देने को तैयार हूँ, आप सिर्फ मेरी पत्नी को सही सलामत मुझे लौटा दीजिए प्लीज। लेकिन मैं एक साथ 5 करोड़ लेने के लिए तैयार नहीं हूँ, जैसा मैं कहता हूँ वैसा कीजिए और सीआईडी को कह दीजिए कि हमारे बीच ना आए, वरना आपकी पत्नी आपको वापस मिलेगी जरूर, लेकिन 5 किश्तों में। पहले हाथ, फिर पैर, फिर कान। नहीं, देखिए आप जैसा कहेंगे मैं वैसा करूँगा। ये हुई ना बात, शांति रखोगे तो शांति जी मिलेगी। अब सुनो, पहले किश्त तुम्हें कल देनी होगी,
एक साफ सुथरे काले रंग के बैग में 1 करोड़ रुपए डालकर मार्केट रोड पे जो म्युनिसिपैलिटी का कचरे का डिब्बा है उसके बाजू में बैग रख के चले जाना। पीछे मुड़कर मत देखना और सीआईडी वाले उस इलाके में ताक जाक ना करे तो बेहतर होगा। शांति जी के लिए रखता हूँ। हेलो हेलो, जानता है वो हमारे बारे में? पता है उसे? निखिल काम करो, जल्दी से जल्दी पता लगाओ ये फोन कहाँ से आया था। कोशिश करो, जाओ। सर, सर आपने सुना नहीं कि डैपर ने क्या कहा? उसको सीआईडी की कोई दखल अंदाजी नहीं चाहिए। सर प्लीज आप लोग यहाँ से चले जाइए, मैं ये केस संभाल लूँ। क्या कह रहे हो तुम हर्षवर्धन? तुम्हें लगता है वो सही सलामत तुम्हारी बीवी को तुम्हारे पास लौटा देगा? सर मैं ये सब कुछ नहीं जानता। मैं शांति को बचाने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ और कितने भी पैसे दे सकता हूँ। हर्षवर्धन मेरी बात समझने की कोशिश करो, तुम्हारी बीवी ने शायद उसे देखा है और वो उसे पहचान पाएगी, तो क्या वो सारे सबूत मिटाने की कोशिश नहीं करेगा? शायद वो तुम्हारी बीवी को भी मार डालेगा। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, वो शांति को। हर्षवर्धन मैं तुमसे वादा करता हूं, तुम्हारी बीवी को सीआईडी वाले सही सलामत तुम्हारे पास लेकर आएंगे। देखो हर्ष जी पर नजर रखो, और जैसे ही हर्ष जी अपना बैग रखते हैं नजर सिर्फ उनके बैग पर होनी चाहिए, समझे? इतनी भीड़ में बैग पर नजर रखना बड़ी मुश्किल है। हाँ फ्रेडी मुश्किल है, इसीलिए तो भीड़ भाड़ वाला इलाका चुना है। सर मैं उस कचरे के डब्बे के पास जाके खड़ा हो जाऊँ क्या? नहीं नहीं पंकज नहीं, किडनैपर इतना बेवकूफ नहीं है जो तुम्हें पहचान ना पाए। ये हर्षवर्धन जी बड़े नर्वस लग रहे, मुझे लगता है जाकर उन्हें समझाना पड़ेगा कि वो हिम्मत ना हारे। फ्रेडी समझाने की कोई जरूरत नहीं, पहली बार फिरौती की रकम देने जा रहे हैं ना, इसलिए नर्वस लग रहे, लेकिन ये हमारे लिए सही है। किडनैपर को ये समझ में नहीं आएगा कि हम लोग यहाँ पर हैं, समझे? मार्केट रोड में म्युनिसिपैलिटी के कचरे का डब्बा तो यही है, यही बैग छोड़ देता हूँ। अब देखते हैं क्या होता है। अरे अभी तो यही पे थी, कहां चली गई? थोड़ी देर के लिए हमारी नजर हटी और बैग गायब हो गया। इसका मतलब किडनैपर यहीं पे खड़ा था। जिस आदमी का यहाँ पे एक्सीडेंट हुआ वो कहां गायब हो गया? इसका मतलब ये किडनैपर की चाल थी। क्या हुआ सर, क्या हुआ? अरे उल्लू बना गया हमारा, बैग लेके चला गया वो। अरे क्या मतलब बैग ले गया, अब मेरी पत्नी का क्या होगा? आपकी पत्नी को कुछ नहीं होगा, किडनैपर को अभी तक 5 करोड़ रुपए नहीं मिले। लेकिन बैग गायब है और मेरी पत्नी का पता कौन लगाएगा? आप उसकी चिंता मत कीजिए, किसी न किसी ने जरूर उस किडनैपर को वहां से बैग ले जाते हुए देखा होगा। ट्रैकिंग डिवाइस पर यही जगह ट्रेस हुई है, लगता है किडनैपर ने फिरौती मांगने के लिए इसी जगह का इस्तेमाल किया होगा।
शांति जी। रोने की आवाज इस कमरे से आ रही है। ये आवाज तो टेप रिकॉर्डर से आ रही है, पर किडनैपर ऐसा क्यों करेगा? बहुत शातिर है वो हमें फंसाने के लिए। टिक टिक बम, भागो। क्या अच्छा ये बताइए कि इस कचरे के डब्बे के पास से किसी ने काले रंग का बैग उठाया क्या? आपने देखा किसी? साहब काले रंग का बैग, वही ना जो सूट बूट वाला आदमी रख कर गया था। हाँ वही बैग। और साहब जब वो बैग रख रहा था ना तभी मेरे को गोची लगा, तभी मैं उसको टकर टकर देखे जा रही थी। इतने में साहब उधर से एक्सीडेंट हुआ और उधर से एक लड़की आई पीले रंग के सलवार कमीज में। साहब बैग लेकर उधर भाग गई वो। बैग उठाकर भाग गई, तुम रोक नहीं सकती थी उसको? ए? मैं कैसे रोकती उसको? मेरी क्या वो भाभी लगती थी जो मैं उसको रोकूं? हाँ लेकिन सौरभ का चेहरा तो दिखा होगा आपने? नहीं साहब मैंने चेहरा नहीं देखा, उसने कपड़े से अपना पूरा चेहरा ढका हुआ था साहब। लेकिन सर फिरौती की रकम मांगने तो किसी आदमी ने फोन किया था ना? आदमी ने फोन किया था, एक आदमी जिसने फोन किया और दूसरा आदमी जिसने एक्सीडेंट होने का नाटक, और तीसरी ये औरत जो बैग उठाकर भाग गई। इस किडनैपर की ये हिम्मत कि सीआईडी ऑफिसर्स को बॉम्ब से उड़ाने की कोशिश की इसने। इतना ही नहीं सर, मार्केट में नकली एक्सीडेंट का नाटक करवाकर सिर्फ 30 सेकंड में कचरे के डब्बे से पैसे उड़ा कर ले गया ये आदमी। कोई पुराना पापी है ये विनीत, कोई पुराना पापी, मगर छूटेगा नहीं ये हमारे हाथों से, नहीं छूटेगा। ये किडनैपर ने पहले ही कहा था कि सीआईडी को इन्वॉल्व ना करो, अब देख लिया ना अंजाम आप लोगों ने। प्लीज सर आप लोग प्लीज जाइए यहां से। फिर वही बात हर्षवर्धन, फिर वही बात। इतना समझाया मैंने तुम्हें कि तुम चाहे पैसे दो, पूरे के पूरे पैसे दो, फिर भी वो तुम्हारी पत्नी को सही सलामत नहीं छोड़ेगा। मेरी बात मान लो, मैं समझ सकता हूं तुम पर क्या गुजर रही है, लेकिन हम जानते हैं ऐसे लोगों को कैसे पकड़ना। प्लीज हमें अपने तरीके से काम करने दो, विश्वास रखो हम पर, तुम्हारी बीवी को हम सही सलामत वापस लेकर आएंगे, बिलीव मी। बैठो डोंट वरी। एक काम करो, घर में जितना भी स्टाफ है, जितना भी स्टाफ, सबको एक एक करके अच्छी तरह से पूछताछ कर लो, देखो वो कब से इस घर में काम कर रहे हैं और कौन है जो अभी अभी हाल ही में ज्वाइन हुआ है घर में। यस सर। जाओ पता लगा। महिमा जी, जब हर्षवर्धन
किडनैपर को पैसे देने बाजार में गया था, तुम अब कहाँ थी? सर, मैं तो घर पे ही थी। ओ, आप घर पर ही थी? अच्छा अच्छा। सर, वो एक्चुअली क्या हुआ था ना, उस दिन सर में बहुत दर्द हो रहा था, इसलिए गोली लेके सो गई थी। अच्छा, आपकी तबीयत बिगड़ गई थी, सिर में दर्द था? जी सर। मैं समझ सकता हूँ, इतना सारा टेंशन है ना? कोई बात नहीं, अभी आप ठीक तो हैं? नहीं सर, वो कहाँ, अभी भी पता नहीं। चलो कोई बात नहीं, आप चाहे तो आराम कर सकती हैं, अगर जरूरत पड़ी तो हम बुला लेंगे आप। जाइए। थैंक यू सो मच। या प्लीज। क्या नाम है तुम्हारा? साहब राजू। राजू, क्या करते हो राजू? साहब मैं महिमा जी का ड्राइवर हूँ। महिमा जी के ड्राइवर हो? हाँ साहब। अच्छा अच्छा अच्छा। अच्छा राजू, महिमा जी के बारे में हम कुछ जानना चाहते हैं, बताओ फिर। हाँ साहब। राजू बताओ, आज सुबह महिमा जी घर पर ही थी या बाहर गई थी? राजू मैंने पूछा, क्या आज सुबह महिमा जी घर पर ही थी या कहीं बाहर गई थी? साहब मैं बहुत गरीब आदमी हूँ साहब, मेरी बीवी बच्चे की जिम्मेदारी है साहब। देखो तुम घबराओ मत, तुम्हें कुछ नहीं होगा साहब। हम किसी को कुछ नहीं बताएंगे कि तुमने हमसे क्या कहा। बताओ राजू, बताओ महिमा जी घर पर थी या बाहर गई थी? राजू तुम्हारी कोई जिम्मेदारी नहीं है शांति जी की तरफ, तुम नहीं चाहते कि शांति जी सही सलामत घर पर वापस आ जाए, चाहते हो ना क्या? नहीं चाहते हो? हाँ साहब। चाहते हो ना? हाँ साहब। तो फिर बताओ, क्या महिमा जी घर पर थी या बाहर गई थी? साहब जब आप लोग और हर सर पैसे देने गए थे, उसके तुरंत बाद महिमा जी भी ऑफिस वाले कपड़े पहन के बाहर चली गई थी। कहाँ गई थी? सर कहाँ गई थी ये तो नहीं पता, लेकिन आप लोगों के आने के 5 मिनट पहले ही वो वापस आ गई थी साहब। अच्छा, हमारे आने से 5 मिनट पहले ही वो वापस आ गई थी। अच्छा सर, अब इस महिमा जी से सच उगलवाएं? इतनी भी क्या जल्दी है, पहले दूसरा इंस्टॉलमेंट भेज देते हैं किडनैपर को, फिर देखते हैं इस महिमा जी की महिमा कितनी अपरंपार है। सर महिमा के मोबाइल रिकॉर्ड से पता चला है कि वो इसी मार्केट में थी, और उसी वक्त हर्षवर्धन जी किडनैपर को फिरौती की किश्त भी दे रहे थे। चलो पूछते हैं, शायद किसी ने इसे देखा। इस औरत को कल यहां देखा था आपने? इस औरत को मैंने कहीं तो, हाँ ये औरत कल इधर ही तो आई थी और यहीं पर आकर चाय पी थी। अच्छा, ये खाली हाथ आई थी या इसके हाथ में कुछ था? नहीं, इसके हाथ में एक बैग था काले कलर का। काले रंग का बैग? हाँ। सर फिरौती की रकम जिस बैग में दी गई थी उस बैग का रंग भी काला ही था। अच्छा, ये यहाँ अकेले आई थी या इसके साथ कोई आदमी था? नहीं, एक आदमी था इसके साथ, इसने बैग उस आदमी को दिया और फिर दोनों चले गए। शायद वही आदमी हो जिसने फिरौती के लिए फोन किया था। आप उस आदमी का स्केच बनवा सकते हैं? कोई बचाओ, बचाओ! ए! कोई बचाओ! ए, चिल्लाना बंद कर, तेरी आवाज यहां सुनने वाला कोई नहीं है, चुपचाप से खाना खा, समझे? Ha 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 ha!
पता नहीं क्या हो रहा है, कैसी होगी शांति, कहाँ होगी, कौन देखभाल कर रहा होगा उसकी, उसका खाना पीना दवाई। एसीपी प्रद्युमन। नमस्ते एसीपी सर, शांति जी का रखवाला बोल रहा हूँ। बोलो। बधाई हो, आपके सारे ऑफिसर्स जिंदा बच गए। अपने आप को बचाने की सोच समझा? उम्मीद पे तो दुनिया कायम है सर, लेकिन आपकी उम्मीद से ज्यादा ताकतवर है मेरा नसीब। बड़ा ही शातिर दिमागी हूँ मैं, ये कहना गलत तो नहीं होगा सर। अपने आप को बड़ा चालाक समझता है तू। अबे लंगूर की दुम, एक बार मेरे शिकंजे में आ जाएगा ना तो तेरी दुम पकड़ कर ऐसे तुझे घुमाऊंगा, ऐसे घुमाऊंगा और जमीन पे पटकूंगा, तेरा सारा घमंड निकल जाएगा। फिलहाल तो शांति जी मेरे शिकंजे में, चुपचाप हर्षवर्धन जी से बात करवाइए। हर्ष, हेलो। आप भी कमाल करती हो, लगता नहीं कि आप अपनी पत्नी से प्यार करते हो। मना किया फिर भी सीआईडी को टांग अड़ाने दी हमारे बीच में। हाँ, अगर मुझे गुस्सा आया ना तो शांति जी के छोटे 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 छोटे। अरे नहीं नहीं, मैं नहीं नहीं भाई, देखो गलती हो गई मुझसे, मैं ऐसा नहीं करूंगा, मुझे माफ कर दो प्लीज। ठीक है, माफ किया, अब दूसरी किस्त आप मुझे देने आएंगे आज दोपहर को कुर्ला बस स्टैंड के टर्मिनल नंबर 10 पर, और सिर्फ आप आएंगे और कोई नहीं, समझे? हेलो, कुर्ला बस डिपो। कुर्ला बस डिपो तो भीड़ भाड़ का इलाका है, वहां पे इस किडनैपर को ढूंढना बहुत मुश्किल होगा। सर सर, मुझे उसे नहीं पकड़वाना। सर आपने देखा वो कितना खतरनाक आदमी, वो मार डालेगा शांति को। सर मुझे नहीं पकड़वाना है, प्लीज आप मुझ पर रहम कीजिए और आप ये केस छोड़ दीजिए। सर ये केस छोड़ दीजिए, मुझे मेरे हाल पे छोड़ दीजिए प्लीज सर। ये आप क्या कह रहे हैं हर्षवर्धन जी, अरे ऐसे हिम्मत हार कर कैसे चलेगा? तो कैसे चलेगा काम सर, हमने पहले भी तो सीआईडी को मौका दिया था किडनैपर को पकड़ने के लिए, लेकिन उसका नतीजा क्या निकला? कुछ भी तो नहीं। अब बहुत हो चुका है सर, वो किडनैपर काफी खतरनाक लग रहा है। आपको उस किडनैपर के बारे में कुछ ज्यादा ही जानकारी, सीआईडी से भी ज्यादा। आप कहना क्या चाहते हैं? पूर्वी सही कह रहे हैं लोग, वाकई हम नाकामयाब रहे हैं किडनैपर को पकड़ने में, और इससे पहले कि ये केस हमारे हाथों और भी खराब हो जाए, इस केस से हम अलग हो जाते हैं। हर्षवर्धन जी, अगर आपको हमारी जरूरत पड़े तो मुझे फिर से फोन कर देना। हर्षवर्धन पैसे की बैग लेकर गाड़ी में बैठ रहा है। हाँ सर, मैं उसके पीछे जाता हूँ सर। हर्षवर्धन तो निकल गया है, अब देखते हैं ये महिमा कब बाहर निकलती है घर से। महिमा घर से निकली,
नहीं सर, अभी तक नहीं। इसका मतलब है कोई दूसरा किडनैपर आने वाला है फिरौती की रकम लेने के लिए। हमें बहुत सावधान रहना पड़ेगा। पिछली बार की तरह इस बार भी वो कोई पैतरा आजमाने की कोशिश करेगा, पर हमें हर्षवर्धन जी से नजर नहीं हटानी है, समझे? ओके सर। और जैसे वो किडनैपर पैसे का बैग लेने के लिए आएगा, उसे पकड़ना नहीं है, हमें उसका पीछा करना है, उसके अड्डे तक पहुंचना है और किसी भी हाल में शांति जी को बचाना है, समझे? सर। सर काफी समय हो गया है, किडनैपर कोई मूवमेंट दिखाई नहीं दे रहा है। सर कहीं उसने अपना इरादा बदल तो नहीं दिया? निखिल, पैसे का मामला है, फिरौती की रकम लेने आएगा जरूर वो। कृपया ध्यान दीजिए, स्टैंड नंबर 10 से रत्नागिरी जाने वाली बस 10 मिनट के अंदर डेपो के बाहर से रवाना होगी। बस छूट ना जाए, इसलिए सबको निवेदन है कि जल्दी से बस डेपो के बाहर पहुंचे। चने बस में बैठ के खाना, बस का इंतजाम है सब, गरम चने, गरम चने, चने चने। हर्षवर्धन जी की बैग, हर्षवर्धन जी आपके हाथ में जो बैग था वो कहाँ गया? बैग वो, अरे लेकिन आप लोग कौन है? हम लोग सीआईडी से हैं। अरे मैंने मना किया था आप लोगों को कि मेरा पीछा मत करो, अब मेरी पत्नी को कुछ हो गया तो? देखिए आपकी पत्नी को कुछ नहीं होगा, आप पहले ये बताइए कि बैग कौन ले गया? बैग वो, देखिए पीछे अनाउंसमेंट हुआ और यहाँ पर अफरा तफरी मच गई कुछ बस को लेकर और लोग इधर उधर भागने लगे। एक आदमी आया, उसके मुँह पे नकाब था और उसने कहा मैं किडनैपर हूँ और ले गया बैग, मैंने नहीं रोका। अनाउंसमेंट? अरे सुनिए, रत्नागिरी जाने की बस की घोषणा की थी? नहीं 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 सर, मैं तो बाथरूम गया था, उधर से मैं लौट के आ रहा हूँ तो देख रहा हूँ कि एक यंग लड़का इसमें कुछ बोल रहा है, मुझे देखते ही तो भाग गया। नौजवान लड़का, हम उस किडनैपर का वहाँ इंतजार कर रहे थे और वो सही मौके का इंतजार कर रहा था। जैसे ही आदमी कैबिन से बाहर निकला, उसने माइक पे जाके उस बस की घोषणा कर दी और लोगों में अफरा तफरी मच गई। अच्छा, आपने उस आदमी का चेहरा तो देखा था ना? जी जी जी। आप प्लीज हमारी मदद कीजिए उस आदमी का स्केच बनवाने में। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। हेलो, ठीक है सर, एजीबी सर का फोन था। उस दिन बाजार में महिमा को जो आदमी मिला था उसका पता चल गया। हेलो, कहाँ हो तुम? अच्छा, 5 मिनट में। हाँ हाँ, ओके।
बैग दे दो, बैठो। क्या बात है, बहुत परेशान लग रही है। हर्ष भैया की नजरों से बचाकर ये बैग यहाँ तक ले आना आसान बात नहीं था संजय, और मुझे तो ये डर था कि कहीं मैं पकड़ी ना जाऊं। आपका डर सही साबित हुआ, आप पकड़ी गई महिमा जी। सीआईडी यहाँ? हाँ, वाकई में अपनी भाभी को किडनैप करना, फिरौती की रकम निकलवाना और उसे यहाँ तक पहुँचाना, ये आसान काम नहीं है, और हमारे लिए भी आसान नहीं था आपको रंगे हाथ पकड़ना। किडनैपिंग? और मैं सर, मैं अपनी भाभी की किडनैपिंग क्यों करूंगी? जरूर आपको कोई गलतफहमी हुई है सर। झूठ बोल रही हैं आप, और उस दिन भी जब हर्षवर्धन जी मार्केट में फिरौती की पहली किस्त देने गए थे। सर मैंने क्या झूठ बोला है? आपने कहा था कि आपके सर में दर्द हो रहा है और आप दवाई लेकर घर में सो रही हैं। दरअसल आप मार्केट में ही थे उस वक्त, आप ही ने वो काला बैग जिसमें पैसा था कचरे के डिब्बे में से निकाल कर संजय को लाके दिया। नहीं सर, मैं मानती हूँ कि मैंने वो बैग संजय को दिया जरूर, लेकिन उस दिन उस बैग में कोई रुपए नहीं थे सर, और आज भी इस बैग में कोई रुपए नहीं है। रुपए नहीं है तो फिर क्या है इस बैग में? सर इसमें मेरे कपड़े हैं। देख लीजिए सर। देखिए सर, कपड़े? आपके कपड़े आप संजय जी को क्यों दे रहे हैं? मैं बताता हूं सर, दरअसल मैं और महिमा एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, लेकिन हर्षवर्धन जी ने इनकी शादी किसी अमीर आदमी से करवा दी। बाद में जब इनके पति का देहांत हो गया तो हमें लगा कि भगवान चाहते हैं कि हम एक बार फिर से मिल जाएं, इसलिए मैं हर्षवर्धन जी से दोबारा मिलने गया, लेकिन इस बार भी उन्होंने मना कर दिया। भैया के मना करने के बावजूद इस बार मैंने तय कर लिया था कि मैं संजय के साथ शादी करके उन्हीं के साथ घर बसाऊंगी, इसलिए हर एक दो दिन बाद मैं संजय से मिलती हूँ और उन्हें अपने कुछ कपड़े और जरूरी सामान दे देती हूँ ताकि वो अपने घर ले जाएं, और जैसे ही हमें मौका मिले हम भागकर शादी कर लें सर। हम बिल्कुल बेगुनाह हैं, हम लोग सिर्फ एक दूसरे से प्यार करते हैं और चाहते हैं कि उम्र भर के लिए साथ रहें, दैट्स ऑल सर। सर अगर इन दोनों का हाथ किडनैपिंग में नहीं है तो किडनैपिंग का सारा खेल कौन रहा है? अरे आइए आइए, दस का दिन बहुत बढ़िया गुब्बारा है, लाल पीला नीला, घर लेते जाइए, आइए आइए देख तो लीजिए एक बार कम से कम। भाई साहब देख तो लो यार, बहुत बढ़िया है, देखिए। देखो निखिल, इस बार भी वो किडनैपर जरूर कोई नया पैतर आजमाएगा, हमें सिर्फ अपनी नजर हर्षवर्धन जी और उनके बैग पे रखनी है, समझ गया ना? हाँ सर, अच्छा ध्यान नहीं पैसे। दस का दिन बहन जी लेते जाइए, बहुत बढ़िया गुब्बारा है, देख तो लीजिए, दस का दिन है। दस का दिन आइए बहुत बढ़िया गुब्बारा है, बिलायती हवा इसमें, आइए दस का दिन। मैडम गुब्बारा देख लीजिए, बहुत बढ़िया बच्चे के लिए, दस का दिन। के आदमी अंदर आ रहा देखा उसे? हाँ सर,
थोड़ी चाल चढ़ी लग रही है इसकी। हाँ गड़बड़ लग रहा है थोड़ा, कहीं यही तो किडनैपर नहीं? सर पकड़ूं क्या? नहीं नहीं नहीं, छूना नहीं उसे। अगर गलत आदमी निकला तो असली किडनैपर अलर्ट हो जाएगा, भाग जाएगा। हाँ सर। दस का तीन, दस का तीन, दस का तीन। मैडम देखते जाइए गुब्बारा बहुत अच्छा है। दस का तीन, दस का तीन, दस का तीन, दस का तीन। मैडम गार्डन में बॉम्ब रखा हुआ है, अपने और अपने बच्चे की सलामती चाहते हो तो यहां से मेहरबानी करके भाग जाइए। ये सुना नहीं क्या भेरी हो? बोला ना गार्डन में बॉम्ब है, बॉम्ब। भागो यहां से। ना मैं भागूंगी ना तुझे भागने दूंगी। अच्छा तू है किडनैपर? सर ये तो हर्षवर्धन जी का रसोईया है, उसका नाम शेखर है। शेखर तुम? तो ये सब कुछ तुमने किया? खाना बनाते बनाते हर्षवर्धन जी को बनाने लगा। मुझे माफ करो साहब, ऐसा करने का मेरा कोई इरादा नहीं था। शांति जी को किडनैप किया, 5 करोड़ रुपए की फिरौती मांगी, सीआईडी ऑफिसर्स को बम से उड़ाने की कोशिश की और बोल रहा कोई इरादा नहीं था। मैं झूठ नहीं बोलना साहब, मुझे मजबूर किया गया था, मुझे धमकियां दी गई थी और जबरदस्ती मेरे से ये सब करवाया गया था। अच्छा किसने धमकाया था तुम्हें? नाम वगैरह तो मुझे नहीं मालूम साहब। देख ज्यादा होशियारी की ना तो वो हालत करूंगा कि अपना नाम भी भूल जाएगा। पूरा इतिहास पता है तुम्हारा, हमें पहले भी 10 साल की कैद काट चुके हो किडनैपिंग के जुर्म में। उस एक गलती की सजा आज तो भुगत रहा हूँ साहब, सुधरना चाहता हूँ लेकिन मेरा काला अतीत मेरा पीछा नहीं छोड़ रहा है। देख जो बोलना है साफ साफ बोल, समझा? जैसे आपको मेरे बारे में पता चल गया था, वैसे उन गुंडों को भी मेरे बारे में पता चल गया था। उन्होंने मेरी बीवी को अगवा कर लिया और मुझे धमकी दी कि मैं शांति जी का अपहरण करूं और 5 करोड़ की फिरौती 5 किस्तों में मांगू। ये बहाने बना रहा है सर, इसे छोड़ना मत आप। मैं सच बोल रहा हूं, मेरा यकीन करिए। कौन है वो लोग? मास्क पहन कर एक आदमी आता था, लेकिन क्योंकि मैं आप लोगों के साथ रहता था इसलिए पैसा कहाँ लेना है कैसे लेना है वो प्लानिंग मैं ही करता था। और वो औरत जो कचरे के डिब्बे से पैसे का बैग उठा के भाग गई थी वो कौन थी? वो तो मैं ही था साहब, आप लोगों को गुमराह करने के लिए मैं ही औरत के बेस में आया था और पैसे लेकर गया था। शांति जी को कहाँ छुपा के रखा है? मैं सच बोल रहा हूँ साहब, मुझे पता नहीं, वही लोग जानते हैं। हर्षवर्धन जी ने जो पैसे दिए थे वो कहाँ है? वो तो मैं उन्हें दे दिया था साहब। वो लोग मास्क पहनकर गाड़ी में आते थे और हाईवे पे मेरे से मिलते थे और मैं जिस बैग को उन्हें देता था बैग से पैसा निकालता थे अपने बैग में डालते थे और ये बैग को फेंक के चले जाते थे साहब। मुझे इसके अलावा बाकी कुछ नहीं मालूम साहब। सर किडनैपर तो काफी शातिर निकला, चंदू से सारा काम करवा लिया तो पैसे पेश कर रहा है, लेकिन सर इसे पकड़ेंगे कैसे? चूहे को बिल से निकालने के लिए रोटी का टुकड़ा डालना पड़ेगा। क्यों बे बावर्ची, आज भी मेरी वाली बिरयानी लाया है नहीं? हाँ ये लो तुम्हारे 1 करोड़ रुपए।
वाह, इस बिरयानी की खुशबू तो कमाल है। ये ले। मेरी पत्नी है ना, तेरी होगी, चिंता मत कर। जब 5 करोड़ हमारे हाथ में होगा तो तेरी पत्नी का हाथ भी तेरे हाथ में होगा, वरना नहीं नहीं, कुछ मत करना उसे। हेलो हेलो हेलो, बॉस, ये फिरौती की तीसरी किस्त भी आ गई, पूरे 1 करोड़ कुल मिलाकर हुए 3 करोड़। और बॉस, ये चंदू जो है ना, बड़ी कमाल की चीज है। सीआईडी वालों ने ख्वाब में भी नहीं सोचा होगा कि कोई उन्हें इस तरह से उल्लू बना सकता है। 2 बार, सिर्फ 2 और बार उल्लू बनाना है सीआईडी को, और हर्षवर्धन जी को भी 2 ही बार परेशान करना है। उसके बाद हम भी खुश, और शांति जी को पाकर वो भी खुश। और सीआईडी बॉस? अरे सीआईडी क्या कर लेगी, हमें पकड़ना तो दूर, अरे हमारी परछाई तक नहीं पहुंच पाएगी वो। अच्छा, ऐसी जगह पहुंचा देंगे तुझे कि तेरी परछाई भी तेरा साथ छोड़ देगी। सीआईडी, ढूंढ डालो इन्हें। तुमने संभालो, मैं और निखिल किडनैपर को पकड़ते हैं। तुम हो जिसने शांति जी और चंदू की पत्नी का किडनैप करवाया। हाँ, तुम तो हर्षवर्धन जी की बहन महिमा से प्यार करते थे, उससे शादी करना चाहते थे, फिर तुमने ये सब क्यों किया? मैं किसी से प्यार नहीं करता, सिर्फ और सिर्फ पैसे से प्यार करता हूँ। शादी की वजह भी पैसा ही थी। चलो माना कि महिमा जी से तुम प्यार नहीं करते थे, लेकिन महिमा जी करोड़पति हैं और शादी के बाद सारी जायदाद तुम्हारी, फिर तुमने ये किडनैपिंग का सारा खेल क्यों खेला? महिमा के पास करोड़ों नहीं है, उसके भाई के पास है, और यही वजह थी कि मैंने उसको अपने प्यार के जाल में फंसाया, ताकि सारी उम्र उससे शादी करके मैं ऐशो आराम की जिंदगी बिताऊं। लेकिन वो पागल महिमा, वो अपने भाई का महल छोड़कर मेरे साथ 1 रूम किचन में सेटल होने के लिए आ गई, बेवकूफ। और जब तुम्हारा पहला प्लान फेल हुआ तो तुमने दूसरा प्लान बनाया, शांति जी को किडनैप करके धीरे धीरे पैसा जमा करने का। हाँ, और ये 5 करोड़ रुपए तुम एक साथ मांग सकते थे, लेकिन तुमने ये 5 किस्तों का प्लान क्यों बनाया? 5 बार गया था मैं हर्ष के पास उस महिमा का हाथ मांगने, लेकिन 5 बार उस कमबख्त आदमी ने मुझे बेइज्जत करके घर से बाहर निकाल दिया। इसलिए तुम भी उसे 5 बार परेशान करके अपना बदला लेना चाहते? 5 बार, जितनी बार भी वो मुझे फिरौती की रकम देता, उतनी बार उसके मन में ये डर बैठा होता कि अगली किस्त के बाद मेरा फोन ना आया तो। उसका ये डर, उसकी ये तड़प देखना चाहता था मैं। उसने मेरी गरीबी का मजाक उड़ाया था, इसीलिए उससे मैं बदला लेना चाहता था। और ये
चंदू के बारे में तुम्हें कैसे पता चला? चंदू को मैंने हर्ष के घर पर देखा था। उसके ठीक 10 दिन के बाद मैंने उसे पुलिस स्टेशन में देखा। पता करने के बाद पता चला कि वो अव्वल नंबर का किडनैपर है। दो किडनैपिंग, सीआईडी पर हमला और साथ में हर्षवर्धन जी के ड्राइवर का खून। तुम्हें तो एक ही सजा मिलेगी, फांसी। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।